सम्मानित मंच, हम आए हुए आगंतुक साथियों, आप सभी को छत्रपति साहू जी महाराज के जयंती पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी बातें इस देश की मूलभूत समस्या पर प्रकाश डालना चाहता हूं। मैं बिहार से हूं और यहां एमपी में आया हूं, मगर एमपी के लोग और बिहार के लोग एक ही समस्या से जूझ रहे हैं, अर्थात यह जो समस्या है बिहार, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र यानी पूरे भारत में, यहां तक कि अब पूरे विश्व में इस समस्या से हम मूल निवासी जूझ रहे हैं। वह समस्या है जाति समस्या, जो हमारी मौलिक समस्या बनी है। तो यह समस्या एक राज्य की समस्या नहीं है, यह समस्या राष्ट्रीय समस्या है। और जब राष्ट्रीय समस्या है तो इस राष्ट्रीय समस्या को हल करने के लिए भी हमें एक राष्ट्रीय पार्टी की जरूरत है, ऐसी पार्टी जो संविधान में लिखित मौलिक अधिकार और एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध हो, ऐसी पार्टी को हमें चयन करना चाहिए। डॉक्टर प्रमोद सर ने कहा कि हमारी आखिरी मौत इसी पार्टी में होगी, कितना यानी कि इनका जो है सो दिल इस पार्टी के प्रति जुझारू है वो दिखता है। वो समझते हैं कि यही एक पार्टी है जो हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समतामूलक समाज स्थापित कर देगा। तो भाइयों, मैं यही चाहता हूं कि असली समस्या जाति समस्या है और इस जाति समस्या को हम एकजुट होकर करके इस प्रकार से उठाएं कि जितने भी इस देश में पार्टियां हैं वह समझ जाए कि असली समस्या जो है सो जनता पहचान गई है। इस जाति समस्या का उन्मूलन का उन लोग उपाय ढूंढेंगे तभी इसमें हम सफल होंगे और इसमें हमारी पार्टी ही सर्वोपरि है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। सभी को जय भीम, जय मनवास। एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।